या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। होता क्या है, जो चूमने वाले हैं वो ये समझते हैं कि जो नहीं चूमते हैं वो काफिर, यानी जो अंगूठा ना चूमे उसको हम काफिर समझते हैं, बाज लोग ऐसे हैं। यानी जो अंगूठा ना चूमे उसको हम काफिर समझते हैं, बाज लोग ऐसे हैं। यानी जो अंगूठा ना चूमे उसको हम काफिर समझते हैं, बाज लोग ऐसे हैं हमारे माशरे में। तो ये गलत है। जैसा कि अंगूठा चूमने वाली जो रिवायत है, ऐसी एक रिवायत मिलती है, उसको बाज मुहद्दिसी ने ज़ईफ़ करार दिया। पड़ी है अंधे को आदत के शोरबे से ही खाए, बटेर हाथ ना आया तो जाग ले के चले। जो दीन कौओ को दे बैठे उनको यकसा है, कलाग ले के चलें या उलाग ले के चलें। जैसा कि आपने सुना कि मुफ्ती AM कासमी देवबंदी फिरोज़ाबादी साहब का ये कहना कि अंगूठे ना चूमने को बाज़ लोग काफिर तसव्वुर करते हैं, मतलब हद से ज़्यादा तशद्दुद करते हैं, काफिर कहते हैं, तो ये भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है। और इस तरीके की बातें अक्सर जो है वो देवबंदी हजरात की तरफ से आपको वसवसों के तहत लोगों के जहनों में डाली जाती हैं ताकि वो ये समझे कि वाकई ऐसा नहीं है और जो ऐसा समझ रहे हैं वो गलत है। हालांकि कोई भी शख्स ऐसा नहीं है, उलमा अहले सुन्नत के अंदर कभी ऐसा मामला देखा भी नहीं गया कि अंगूठे ना चूमने की बिना पर किसी को काफिर करार दिया गया हो। लेकिन ये एक इल्ज़ाम और एक झूठ है साहब का, कि जो अहले सुन्नत के आवाम को वर्ग लाने के लिए, उनके जहनों में वसवसे डालने के लिए चीज़ बैठाई गई है। तमाम उलमा सुन्नत का ये इस मामले में ये नज़रिया है और यही हुक्म भी है कि ये अमल जो है वो मुस्तहब है। अगर कोई करता है तो जाहिर है कि वो सवाब पाएगा, लेकिन अगर कोई नहीं करेगा तो वो इस्लाम से खारिज हो जाए। माज़अल्लाह, ऐसा तो कभी हुक्म लगाया ही नहीं गया। और अगर ये कहते हैं कि चंद ऐसे लोग हैं जो काफिर समझते हैं, तो वो चंद ऐसे लोग होंगे शायद, लेकिन इनकी तहकीक में आए होंगे, हमारे तहकीक में कोई आज तक ऐसा बंदा नहीं आया जो अहले सुन्नत के अंदर काफिर समझता हो। और अहम बात यह है कि आवाम क्या समझती है शरीयत के मामले में, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि उलमा का इसमें क्या नज़रिया और क्या राय है, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो कभी कभी आवाम के अंदर ये वसवसे पैदा करने के लिए AM कासमी साहब वक्तन फवक्तन झूठ फैलाते रहते हैं और आवाम को वरगलाते रहते हैं। हालांकि ये ख़ुद अपने अकायद और नज़रियात को कभी खुल के बयान नहीं करते शर्म की वजह से, ताकि आवाम, सुन्नी आवाम को जो है वो हनफ़ी अहले सुन्नत कहकर बहका सके। तो कभी भी ऐसा, ये मेरा चैलेंज है AM कासमी साहब को कि कभी भी कोई ऐसा मामला ही दिखा नहीं सकते कि अहले सुन्नत या सुन्नी बरेलवी हजरात की तरफ से ये मामला हुआ हो कि वो अंगूठे चूमने वाले ना चूमने वाले को काफिर समझते हो। माज़अल्लाह, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है और झूठा एतराज़ है सुन्नी आवाम के ऊपर कि वो इसको काफिर समझते हैं। दूसरी बात यह है, आपने कहा कि अंगूठे चूमने को जायज़ है, जायज़ समझना चाहिए, ना चूमें तो उन पर भी सख्ती नहीं करनी चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जायज़ का हुक्म किस दर्जे का है, या फ़कत मुबाह है, या इसके मुबाह के अंदर भी कोई सवाब की सूरत बन सकती है। आप कहते हैं कि ये सुन्नत नहीं है बल्कि एक हदीस ज़ईफ़ हम तक पहुँची है, तो काबिल-ए-गौर बात यह है कि हदीस ज़ईफ़ ही सही लेकिन आप तक इस बारे में पहुँच गई, तो ज़ाहिर है कि वो फ़ज़ाइल के अंदर हदीस है और फ़ज़ाइल अमाल के अंदर भी जो है ना नकल है, और देवबंदियों की बहुत सी किताबों के अंदर भी ये हदीस नकल है कि जिसके अंदर सिद्दीक़ अकबर ने अंगूठे चूमे हैं। तो जब सहाबा से कोई अमल साबित होता है और उसके रावी में ज़ौफ़ होता है, तो ज़ाहिर है कि वहाँ फ़ज़ीलतों में उस हदीस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो हदीस का एक जो है ना वो क्राइटेरिया होता है, एक उनका लेवल होता है, अलग अलग रैंक होती है कि किस हदीस को किस रैंक में रखा जाएगा, फिर उस रैंक के हिसाब से उससे मसले निकाले जाते हैं कि कोई हुक्म वाजिब करा जाएगा तो वो उस हदीस से किया जाए जो वाजिब के दर्जे की रैंक में होती है, इसी तरह कोई हुक्म हराम करार दिया जाएगा तो वो उस हदीस की बिना पर दिया जाएगा कि जो हराम के दर्जे की रैंक की हो, हराम करने वाले किसी उमूर को उस रैंक की हो तब उसे हराम करार दिया जाएगा काम को। ठीक वैसे ही कुछ हदीसें ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर काम को मना किया जाता है कि ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन उस हदीसों की रावियों की वजह से उनकी रैंक जो है वो नीचे दर्जे की होती है, तो हम उस नहीं वाले काम को नाजायज़ नहीं समझ सकते, नाजायज़ नहीं कह सकते, क्योंकि उसके हदीस के रावियों के अंदर जो है ना ज़ौफ़ होता है। लेकिन जब बात फजीलत की आती है कि कहीं पर मोहब्बत फ़ज़ाइल और फजीलत की बात आती है और वहाँ पर कोई ज़ईफ़ हदीस या कोई ऐसी रिवायत मिलती है कि जिसमें सहाबा का अमल साबित हो और उस अमल में कोई खिलाफ़ शरीयत
शरीयत बात ना हो और वो अमल मोहब्बत पर मबनी हो, यानी उसकी बेस्ड जो है वो इश्क़ रसूल हो, तो उस अमल को करने में हर्ज नहीं बल्कि उसको मोहब्बत रसूल की बिना पर सवाब मिलता है। तो ये कहने में मुफ्ती एम कासमी साहब थोड़ा शर्मा से गए खुलासा करने में कि ये फ़कत जायज़ नहीं बल्कि मुस्तहब और सवाब है, ऐसा करने से सवाब मिलेगा। दूसरी बात ये कि सहाबा से ये अमल साबित है, सिद्दीक अकबर से, तो ये काफ़ी है मुसलमानों के लिए कि उनका ये अमल, उनका ये फ़ेल भी इश्क नबी की बुनियाद पर ही था कि उन्होंने नबी पाक के नाम को जब सुना तो अंगूठों को बोसा दे के जो है वो अपनी आँखों से लगाया। तो इस पर सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि उन्होंने फरमाया कि जो शख्स ऐसा करेगा कि जैसा मेरे प्यारे ने किया तो उस पर मेरी शफ़ात जो है वो हलाल हो जाएगी। तो हुजूर की इतनी बात और इतनी मोहब्बत के हुजूर ने ये फरमाया कि जो ऐसा करे जैसा मेरे प्यारे ने किया, सिद्दीक अकबर का जो अमल है वो ज़ाहिर है कि आपके लिए तो हुज्जत होगा ही मुसलमानों के लिए, तो इसीलिए ये अमल जो है ना करना वो कार सवाब और मुस्तहब है। फ़कत इसको ये हल्के दर्जे में लेकर ये कह देना कि नहीं ज़रूरी नहीं है, मतलब जायज़ है, ठीक है, तो फ़कत जायज़ नहीं है, सवाब है, क्योंकि ये सहाबा से साबित है और जो काम जो है ना सहाबा से साबित होता है उसके ऊपर अगर वो अच्छी नीयत से किया जाएगा तो उस पर सवाब भी मिलेगा। अब एक छोटी सी बात है कि बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं कि जिसको आप अपने लिए तो फ़कत जायज़ से बढ़कर सवाब समझते हैं। मिसाल के तौर पे आप लैपटॉप पे बैठ के लोगों को सवाल के जवाब देते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लैपटॉप पे बैठ के आपका सवाल का जवाब देना या दीन का काम करना, ये फ़कत जायज़ है या इस पर आपको कुछ सवाब भी मिल रहा है? अगर सवाब भी मिल रहा है तो ऐसा तो कहीं हदीस से साबित ही नहीं किसी सहाबा से कि उन्होंने ऑनलाइन लैपटॉप पर जवाब दिए हों लोगों को। तो जो अमल सहाबा से साबित नहीं है कि वो लैपटॉप पर जवाब दें, उसमें आपको सवाब कैसे मिल जाएगा? और अगर आपको सवाब उसमें मिल सकता है, आपने अच्छी नियतें कर ली कि भाई मैं भलाई कर रहा हूँ इसलिए मुझे सवाब मिलेगा, तो आपको वो उस काम पे सवाब मिलेगा कि जो सहाबा से साबित नहीं, हदीस से साबित नहीं, लेकिन आपकी नियत और खलूस देखा जाए तो सवाब मिलेगा। लेकिन वो काम के जो सहाबा से साबित है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक से साबित है, तो वो काम अगर कोई करेगा तो उसके ऊपर आप कहते हैं कि फ़कत जायज़ है। हालांकि आपको बताना चाहिए कि ये सहाबा की सुन्नत है और सहाबा की सुन्नत उम्मत के लिए जो है वो राह हक होती है कि अगर वो किसी सहाबा के तरीके पर भी जाएगा तो वो हक की राह की तरफ ही जाएगा। तो ये फ़कत ना तो जायज़ है बल्कि सवाब है, क्योंकि जो शख्स ऐसा करता है कि हुजूर के नाम पर अंगूठे चूमता है वो यकीनन हुजूर की मोहब्बत ही में चूमता है। तो जिसके दिल में गलबा है मोहब्बत हो तो जाहिर है कि वो सहाबा की सुन्नत पे अमल कर रहा है, क्योंकि सहाबा इकराम के ऐसे वाक़यात जो है ना मिलते हैं कि हुजूर पाक की मोहब्बत में उन्होंने वो काम किया, हालाँकि उस काम को उनको बज़ाहिर कुछ बात समझ में नहीं आई लेकिन मोहब्बत में किया। जैसा कि आप ही के बारे में एक और मशहूर वाक्य है कि आपने वज़ू फरमाया, वज़ू फरमाने के बाद आप मुस्कुराने लगे तो दूसरे साहबा ने आपसे पूछा कि आप वज़ू के बाद क्यों मुस्कुराए? उन्होंने फरमाया कि मुझे नहीं मालूम लेकिन हुजूर यहाँ पे वज़ू करके मुस्कुराए तो मैंने भी मुस्कुरा दिया। तो साहबा का ये इश्क था कि जैसा वो करते हुए देखते हुजूर पाक को वो ख़ुद भी करते थे, हालाँकि उनको पता नहीं होता था कि इसका रीज़न क्या है। तो ये मोहब्बत की एक निशानी है। अब अगर कोई सिद्दीक़ अकबर को देख करके उन्होंने अंगूठे चूमे, हम भी मोहब्बत में अंगूठे चूमेंगे, तो ये फ़ेल ना कि फ़कत जायज़ होगा बल्कि ये अलामत इसके इश्क रसूल भी होगा और दूसरी बात ये सवाब भी होगा और सहाबा की सुन्नत भी होगा। लेकिन उसके दर्जे को नीचे करने की कोशिश की जाती है, सवाब इसको नहीं बोला जाता, फ़कत ये कि जायज़ कह दिया जाता है और ख़ुद के लैपटॉप पे जवाब देना ऑनलाइन, इसको आप सवाब समझ रहे होते हैं। तो ये बड़ी हिमाकत भरी बात है कि जो काम सहाबा की सुन्नत है आप उसको कहते हो कि ये सुन्नत नहीं है, लोगों ने इसको सुन्नत बना दिया है, तो क्या सहाबा का अमल आपके लिए सुन्नत नहीं है? अगर हदीस ज़ईफ़ ही सही, ज़ईफ़ हदीस भी फजीलत में मोतबर होती है, एतबार उस पर किया जा सकता है, अमल किया जा सकता है। और एक उसूल और भी है कि मुसलमान के कामों को अच्छाई पर महमूल किया जाएगा जब तक उनके खिलाफ या उनका गैर पाया ना जाए। तो ये उसूल तो ज़ाहिर है कि आपने पढ़ा होगा दारुल उलूम देवबंद के अंदर, उसूल शासी में ज़रूर पढ़ा होगा कि जब कोई मुसलमान का काम होता है उसको अच्छाई पर ही उसका पैरामीटर नापा जाएगा, उसको अच्छाई पर नापतोल किया जाएगा जब तक उसके ख़िलाफ़ कोई बात ना पाई जाए। तो अब मुसलमानों का ये अमल के वो नबी पाक का नाम चूम कर आँखों से लगाते हैं तो ये यकीनन यकीनन वो अच्छाई और मोहब्बत की बिना पर होते हैं और इसके अंदर कोई ख़िलाफ़ शराबात भी नहीं पाई जाती। तो मुसलमान का काम जब अच्छाई पर जज किया जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है कि जिस काम के ऊपर सारे मुसलमानों का इत्तेफाक हो, तमाम अहले सुन्नत, तमाम सुन्नी हज़रात दुनिया भर के इसको करते हों, तो ये फिर अपने आप में एक हुज्जत कायम करता है सवाब होने के लिए, जायज़ होने के लिए और सहाबा की सुन्नत होने के लिए।
तो जिस फेल जिस काम के ऊपर तमाम मुसलमान का इजमा हो जाए और वो उसको सुन्नत समझ के करते हैं, तो फिर वो यकीनन एक हुज्जत बनता है अपने उस मामले में जिसके लिए आवाम उसको समझ के कर रही है। तो जाहिर है कि सहाबा इकराम की सुन्नत भी, उनका तरीक़ेकार भी सुन्नत है, और सरकार की हदीस है कि मेरी सुन्नत पे अमल करो और मेरे बाद मेरे सहाबा की सुन्नत पे अमल करो। तो सहाबा की सुन्नत पे अमल करने का हुक्म दिया है, और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला को ये फ़ेल बताता है कि वो इश्क़ मुस्तफ़ा में फ़ेल किया गया, और सुन्नियों का ये फ़ेल करना बताता है कि वो भी इस अदा को, सहाबा की सुन्नत की अदा को अदा कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और है कि अगर आपको लगता है कि एकदम जायज़ है तो फिर आपको भी करना चाहिए, ताकि आप से भी लोगों को मैसेज मिले कि हाँ ये जायज़ काम है, सिद्दीक अकबर ने किया तो आप भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके दावे होते हैं कि सहाबा वाले काम आप करते हैं, जो सहाबा ने नहीं किया वो नहीं करते, हालांकि लैपटॉप पे आप जवाब दे रहे होते हो, सहाबा ने दिए भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप दे रहे होते हो। तो इस काम को आपको लोगों को बताना चाहिए कि ये सुन्नत है और सुन्नत सहाबा भी है, और ये इल्ज़ाम, ये झूठ और ये मकर फरेब के लोग काफिर समझते हैं माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और आपका हमेशा से अंदाज़ रहा है कि कुछ ऐसे शोसे छोड़ते हैं आवाम के अंदर कि जिसका ना सर और पैरों के इल्ज़ाम होते हैं, ताकि वसवसे पैदा किए जाएं। और वसवसे पैदा, जिस तरह इमाम गज़ाली ने फरमाया ना कि एक शैतान होता है कि वो मोमिन के दिल के अंदर एक मच्छर की मुंह की तरह, यानी सूंड की तरह दिल के अंदर मुंह दाखिल करता है, और फिर वो बस वसवसे लोगों के अंदर पैदा करता है, उसके दिलों के अंदर वसवसे डालता है, तो इससे लोगों के जहनों में फिर वसवसे आना शुरू हो जाते हैं। तो वही काम बदमज़हबियत की जमात भी आजकल करती है कि लोगों के दरमियान ऐसी बात छोड़ देंगे कि ये जायज़ है, फ़कत इसको सुन्नत ना समझा जाए, और लोग इसको नहीं समझते तो काफिर समझने लगते हैं माज़ल्ला, जबकि कोई भी शख्स इसको ना चूमने पे काफिर नहीं समझता। ये मुफ्ती एम कासमी देवबंदी साहब का खुला इल्ज़ाम और बहतान और एक ऐसा मकर और झूठ है अहले सुन्नत के ऊपर कि जो ये ख़ुद जानते हैं कि हाँ मैंने झूठ बोला है, कि कोई भी इसको काफिर नहीं समझता। और फिर अगर अहले सुन्नत सहाबा के नक्शे कदम पर चलती है, उनकी सुन्नत को अदा करती है, तो ये फ़कत जायज़ नहीं होता, बल्कि ये इस्लाम होता है, ये दीन इस्लाम होता है, और ये बुज़ुर्गों का, बुज़ुर्गों की जो राह है वो अल्लाह तबारक व ताला की राह पे ले जाने वाली है। जैसा कि आला हज़रत ने फरमाया है कि तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये चिराग ले के चले। तो जो सहाबा की सुन्नत पे अमल करता है, ज़ाहिर सी बात है कि वो हक़ पर होता है, और वो राह हक़ पर भी होता है, और इंशाअल्लाह ताला कयामत में इसका सवाब और इसकी जज़ा भी इसको मिलेगी। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉक के लिए होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से, और पाएं सबसे सस्ती SSD और क्लाउड वेब होस्टिंग, लाइट स्पीड और सी पैनल के साथ, और अपने बिजनेस या वेबसाइट के लिए .com/in जैसे डोमेन नेम खरीदें, वो भी कम प्राइस में। आज ही विजिट करें qadrihosting.com पर। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।